हेलो दोस्तों, मैं विनोद जाखड़, आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ एग्रो इन्फॉर्मेशन में। यह जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे परिवार में बड़े भाई जी लेके आए हैं, सोनालिका DI-35 जो 39 हॉर्स पावर के अंदर आता है। ये 2013 मॉडल है, कहीं से भी लीकेज नहीं है। इसकी कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। साइड गियर में है विदाउट पावर स्टेयरिंग, आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही शानदार आवाज़ है। आगे के टायर हैं लगभग 40 पैसे और पीछे के न्यू मान सकते हैं आप 90 पैसे टायर हैं। बोस कंपनी के इनलाइन पंप में ये ट्रैक्टर है, कहीं से भी लीकेज नहीं है, कंडीशन एकदम साफ है। और इसका प्राइस था 3,10,000 रुपये। इस कंडीशन में क्या ये प्राइस सही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। और पीछे का हिस्सा बहुत ही मज़बूत दिया हुआ है इसमें, और ये अभी ट्यूबवेल पे चल रहा है। और 50 फीट नीचे से पानी लेके आ रहा है ये, और कुएं का साइज़ है ये 10 फीट लगभग। ट्रैक्टर के ज़्यादा हिलने का कारण है कि ये सॉफ्ट थोड़ी टेढ़ी है, देख रहे हैं आप, आगे से थोड़ी ऊंचाई पर है और पीछे से थोड़ी नीचे है, इसी की वजह से ये ट्रैक्टर थोड़ा हिल रहा है, एकदम सीध में नहीं है, फ्लेक्स मान नहीं है इसकी स्थिति। ये नंबर है इसके RJ-10 RB-37-22। कलर एकदम साफ है। ये एक मध्यम वर्गीय या छोटे किसान के लिए सबसे बढ़िया ट्रैक्टर है। और सोनालिका ट्रैक्टर कंपनी को अगर किसी ट्रैक्टर ने फेमस किया है तो सबसे बड़ा हाथ अगर माने तो सोनालिका DI-35 का ही है, जो एक मध्य वर्गीय किसान जो कि ढुलाई का काम करते हैं, कोई जुताई का काम करते हैं नॉर्मल, या थ्रेसर वगैरह PTO वगैरह के काम में, मतलब इसे ऑलराउंडर ट्रैक्टर कह सकते हैं, 39 हॉर्स पावर का मध्य वर्गीय किसान सबसे ज़्यादा लेके आता है। और पीछे के टायर इसमें 13/6 दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ 13/6 के हैं पीछे के टायर। और ज़्यादा डीजल का खर्चा नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट डीजल एवरेज निकाल के दिखाएंगे कि कितना ये तेल लेता है। गियर बहुत स्मूथ है, मैंने खुद चलाया इसे, आवाज़ बहुत शानदार है, कहीं से भी आवाज़ नहीं आती है एक्स्ट्रा, और कहीं से भी लीकेज नहीं है। 2013 मॉडल है और 3,10,000 रुपये। क्या ये प्राइस सही है, इस प्राइस रेंज में ये ट्रैक्टर सही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पर आपको खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। अभी तो कितने RPM पे चल रहा है अभी देखते हैं। तो इसका मीटर बंद है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन मान के चलिए लगभग 800 या 900 RPM पे अभी चल रहा है। साइलेंसर टेढ़ा हो गया है, नट वगैरह ढीला हो गया है शायद इसका, क्योंकि आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको, ये कितनी शानदार आवाज़ है, बहुत ही स्मूथ आवाज़ है और कहीं से भी लीकेज नहीं है, कलर एकदम साफ है, कहीं से भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, नहीं कलर फेड है। अब पानी प्रेस कर दिखाता हूँ, देखिए 3 इंच पानी है, चेक करते हैं कैसा है पानी। बढ़िया पानी है, ज़्यादा खारा नहीं है, मिठाई बोल सकते हैं आप।
तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।